हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो लास्ट पेंटिंग हमने की थी इसकी चोगान प्लेयर्स, तो आज हम इसकी नेक्स्ट पेंटिंग करेंगे जिसका नेम है कृष्णा ओन स्विंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि जैसे ये पेंटिंग है, देखने में पता चल रहा है कि एक तो वर्टिकल है एंड इसमें दो अलग अलग जो एपिसोड हैं, मतलब दो अलग अलग सीन हैं वो देख सकते हैं। जैसे ये भी कृष्णा है, ये भी कृष्णा है, तो ये राधा है, ये भी राधा है, एंड इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पेंटिंग के दो पार्ट्स हैं, अपर एंड लोअर पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग का नेम है कृष्णा ओन स्विंग, मतलब जो कृष्णा है वो स्विंग पर है। ये देखो, यहाँ पे ये स्विंग है एंड इसके ऊपर कृष्णा जी बैठे हैं, लॉर्ड कृष्णा। आर्टिस्ट है इसका नूरुद्दीन ने ये पेंटिंग जो है बनाई थी। स्कूल है जो इसका, कौन से स्कूल में बनी थी ये? बीकानेर स्कूल में बनी थी, राजस्थान का बीकानेर स्कूल। मीडियम, कौन से मीडियम में बनी थी? वाटर कलर ऑन पेपर, पेपर पे वाटर कलर के साथ बनी थी टेम्परा टेक्निक से। पीरियड जो इसका 1683 AD है, मतलब इस टाइम ये पेंटिंग पेंट हुई थी। साइज इसका है 20x14 cm, ये इसका साइज़ है। और ये नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में, अभी ये पेंटिंग की लोकेशन है, मतलब ये पेंटिंग अभी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में पड़ी है। इसका सब्जेक्ट मैटर, अब पहले इसका सब्जेक्ट मैटर बताना है कि पेंटिंग में क्या दिख रहा है। दिस पेंटिंग मिनिएचर पेंटेड बाय नूरुद्दीन इज बेस्ड ऑन द रसिक प्रिया पोएट्री ऑफ केशवदास। जो ये पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग, ये नूरुद्दीन ने पेंट की है, जो कि एक केशवदास पोइट था, उसकी जो पोइट्री थी रसिक प्रिया, उस पर ये बेस्ड है। मतलब ये पेंटिंग जो है केशवदास की रसिक प्रिया पोइट्री में से ली गई है और नूरुद्दीन ने इसको पेंट किया है। द मोस्ट वाइडली इलस्ट्रेटेड वर्क ऑफ मेडिवियल हिंदी पोइट्री, ये जो हमारा पुराना टाइम था उसकी हिंदी पोइट्री का मास्टरपीस रहा है। वन डे कृष्णा टेक्स विद हिम ऑन द स्विंग अ गोपी अदर देन राधा। एक बार क्या हुआ कि जो कृष्ण जी थे, ये स्विंग पर राधा की बजाय एक किसी गोपी को ले गए, जिससे क्या हुआ कि राधा को बहुत बुरा लगा। तो उसी वजह से इस पेंटिंग में जो थोड़ी सी सैडनेस, पेन, वो शो किया है। दिस बिहेवियर ऑफ कृष्णा ऑफेंस राधा, हुज लव फॉर कृष्णा विल नॉट टॉलरेट एनी वन इन बिटवीन। ऑन दिस राधा फील बिट्रेड एंड अपसेट। जब कृष्णा गोपी की बजाय किसी राधा की बजाय किसी गोपी को झूले पर ले जाते हैं, तो उसका कृष्णा का जो ये बिहेवियर है वो राधा को पसंद नहीं आता, तो इसी वजह से वो काफ़ी अपसेट एंड सैड फील करती है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक बार मैं आपको सब्जेक्ट मैटर बता देती हूँ। जैसे ये पेंटिंग है, अब इसमें पता चल रहा है, वैसे तो मोस्टली पेंटिंग में राधा कृष्ण एक साथ ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें आप देखो कितनी दूर दूर है एंड यहाँ पे जो राधा है वो काफ़ी सैड दिख रही है। इस पेंटिंग में एक सैडनेस छिपी हुई है, वो क्या है कि कृष्णा जी है वो झूले पर, मतलब स्विंग पर किसी गोपी को ले जाते हैं। राधा को ये अच्छा नहीं लगता कृष्णा का बिहेवियर, तो वो उसे सैड हो जाते हैं और ख़ुद वो अपसेट हो जाती है एंड सैड फील करती है। तो यही पेंटिंग में शो किया हुआ है एंड इसकी डिस्क्रिप्शन हम करते हैं। डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। देख ही सकते हो पेंटिंग टू पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। द आर्टिस्ट सीम्स टू हैव स्लाइटली चेंज द एपिसोड्स। आर्टिस्ट ने पेंटिंग का जो एपिसोड है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। द अपर पार्ट ऑफ पेंटिंग रिलेट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड। तो आर्टिस्ट ने इसका जो थोड़ा सा चेंज किया था पार्ट, वो ये कि जो इसका फर्स्ट एपिसोड है वो उसने ऊपर दिखा दिया और उसका सेकंड एपिसोड है वो नीचे शो कर दिया। कृष्णा इज अलोन ऑन द स्विंग। कृष्ण जी जो है वो स्विंग पे, ये स्विंग है आप देख सकते हो, वहाँ पे अकेले बैठे हैं। ही हैज़ हिज आइज फिक्स्ड ऑन राधा हु इज सिटिंग इन द पोर्च और ऑन टेरेस। उनकी जो आइज़ है वो सीधी राधा पर है, जो कि टेरेस पे बैठी हुई है एंड वो भी कृष्णा को देख रही है।
वो स्विंग पे बैठा हुआ है और राधा को देख रहा है। राधा जो है टेरेस पे बैठी है, ये जो है पिलर शो किए हुए हैं ये, एंड जो राधा है वो कारपेट पे बैठी हुई है, एंड दोनों के साइड बैक साइड पे राउंड पिल्लो जो है वो शो किया। ये देखो ये राउंड पिल्लो है, राधा के पीछे भी राउंड पिल्लो है। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा, राधा भी कृष्णा को देख रही है। दस ईगो ऑफ बोथ एंड ऑब्स्ट्रैक्ट यूनियन एंड ऑफन बोथ, दोनों का जो ईगो है मतलब जैसे ये दोनों इस टाइम नाराज है, दोनों का जो ईगो है वो इनको मिलने नहीं दे रहा, मतलब बीच में आ रहा है इनका, इनका ईगो इनके रिलेशन के बीच आ रहा है। इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सीन सिटिंग इनसाइड वन बोर एंड राधा इनसाइड द अदर। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जैसे ये ट्री है, यहाँ देखो आप ट्री है, कृष्ण जी एक साइड बैठे हैं ट्री के नीचे एंड जो राधा है वो एक साइड बैठी है। आप देखो यहाँ पर भी उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है दोनों ने, एंड ये दोनों कारपेट के ऊपर बैठे हैं, वही जैसे इन दोनों के पीछे पिल्लो था यहाँ भी इन्होंने पिल्लो साथ में रखा हुआ है। द आइज एंड फेसेस ऑफ बोथ बिट्रे ग्रीफ एंड पेन, अभी अब दोनों का फेस देखो मतलब इनके फेस से सैडनेस है पेन है वो सारा शो हो रहा है। देखो राधा जी है वो कहीं पर खोई हुई हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन देखो पेनफुल लग रहे हैं, एंड जो कृष्ण जी है उनके भी सेम ऐसे ही लग रहे हैं। फ्रॉम द एक्शन ऑफ गोपीज हैंड शी अपेयर टू असर्ट दैट बींग अ मेल एंड द माइटर ही इज एक्सेप्टेड टू हैव अ ब्रॉडर वाइडर एंड मोर लिबरल माइंड एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स राधा। अभी जैसे सेंटर में इन दोनों के सेंटर में ये एक फीमेल फिगर खड़ी है, स्टैंडिंग फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर, शी इज गोपी, ये गोपी है एंड इसके जो हैंड जेस्टर है इससे पता चल रहा है कि वो कुछ बोल रही है। हैंड जेस्टर से हम पता लगा सकते हैं कि वो कृष्ण से कोई बात कर रही है, मतलब कि वो कह रही है कि जैसे एक मेल फिगर होती है चाहे कोई भी हो वो काफ़ी मतलब पावरफुल होती है, मतलब पावरफुल होने के साथ साथ वो ब्रॉड मोर लिबरल और उनका माइंड भी बहुत शार्प होता है मेल फिगर का, एंड वो उसको बता रही है कि जैसे तुम एक मतलब मेल हो वो तुम राधा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो क्या कहते हैं राधा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कृष्णा पर है, वो उसको यही समझाने की कोशिश कर रही है, एंड उसके हैंड जेस्टर से पता ही चल रहा है कि वो उसको कुछ कह रही है, तो वो यही कह रही है। दिस पेंटिंग इज़ नियरर टू इंडिजीनियस राजपूत कॉन्शियसनेस, जो ये पेंटिंग है वो इंडिजीनियस राजपूत कॉन्शियसनेस के काफ़ी नियर है। इट रिफ्लेक्ट्स फोक आर्ट एलिमेंट्स वेयर एज इन इट्स फाइन क्राफ्टमैनशिप टेक्निकल एग्जीक्यूशन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टोन्स ऑफ कलर्स लाइन्स एंड थिन एंड शार्प। तो जो ये पेंटिंग है इसमें हम फोक आर्ट के एलिमेंट्स देख सकते हैं, फोक आर्ट जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट थी जो हमारी पुरानी आर्ट सी आर्ट थी उसके जो एलिमेंट्स है लाइक उनकी कलर स्कीम, वो कैसे कलर यूज़ करते थे, उनकी लाइन ड्राइंग के टाइम में लाइन कैसे होती थी, सारा उसके जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्ट कलर उन्होंने यूज़ किए, जैसे यहाँ पे कोई ब्राइट कलर यूज़ नहीं किया, अभी आप इसको देख रहे हो कितना डल, मतलब है तो ये पिंक कलर, यहाँ पे थोड़ा ब्रिक्स की मतलब कि जो ब्रिक्स का टेक्सचर है यहाँ पे उन्होंने देखो ईंटों का टेक्सचर दिखाया है, जो ब्रिक्स होती हैं उनका टेक्सचर दिखाया है, बट जो कलर्स है वो काफ़ी डल यूज़ किए हैं, इतने ज़्यादा ब्राइट कलर उन्होंने नहीं यूज़ किए, एंड जो लाइन है वो काफ़ी थिन लाइन यूज़ की है। अभी आप देख ही सकते हो कि लाइन वर्क यहाँ पे आप इसके ड्रेस पे देखना कि काफ़ी थिन है, जैसे यहाँ पे इसका टेक्सचर है स्ट्रिप्स लगी हुई है। तो ये हो गए एलिमेंट्स, एंड कृष्णा इज़ वेयरिंग अ क्राउन एंड ऑर्नामेंट, अभी जो कृष्णा की फॉर्म है उसने हेड पे क्राउन पहना हुआ है, आप देख सकते हो मुकुट पहना हुआ है। एट द बैक ऑफ कृष्णा एंड राधा देयर इज़ अ राउंड पिल्लो, अभी आप देख ही सकते हो दोनों के, मैंने बताया था पीछे राउंड पिल्लो है दोनों के बैक साइड पे। वाइट कलर इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट, इसमें जो वाइट कलर यूज़ किया है वो सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने गले में मोतियों की माला डाली है, पर्ल्स नेकलेस पाया है, एंड जो फ्लावर्स की ये माला है वो भी वाइट कलर है, यहाँ पे गोपी के
नेक में भी एक नेकलेस पड़ा है, वो भी वाइट कलर से शो किया, यहाँ पर भी, इधर भी, यहाँ पर भी, मतलब वाइट कलर ज्वेलरी के लिए इन्होंने यूज़ किया है। तो एक बार ये होगी हमारी पेंटिंग। अभी आप देखो कि जो कृष्ण जी है उनका आप ड्रेसअप देखो, वो ना कृष्ण जी है जो येलो कलर के ही ड्रेस पहनते थे, जिसको पीतांबर बोलते हैं, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो। जैसे यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश कलर जो है वो लग रहा है, बट जो लोअर पार्ट है इसमें यहाँ पे उन्होंने येलो पीतांबर वेयर किया है। जो राधा की ड्रेस है वो सिंपल घाघरा एंड चोली एंड ट्रांसपेरेंट जो है चुन्नी वो ली हुई है। देखो दुपट्टे के साइड से जो कृष्णा दुपट्टे के साइड से राधा जी के हेयर्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम घाघरा एंड चोली वेयर किया है। सेंटर में जो गोपी है इसने भी घाघरा एंड चोली वेयर किया है। इसके जो घाघरा जहाँ पे इसके ड्रेस पे स्ट्रिप्स का पैटर्न है जो हम देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्लोरिकल है एंड जो कारपेट है उसका बॉर्डर भी यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी डिज़ाइन वाला है उसका बॉर्डर कारपेट का। एंड जो ट्रीज़ है उसके डिफरेंट डिफरेंट लीव्स दिखाए हैं, जैसे इसके लीव्स अलग है, इसके अलग है एंड इसके अलग है। ये जैसे फोरग्राउंड है ग्रीनरी शो की हुई है एंड ये थोड़ा पाथ है, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी दिखाई है, रास्ता दिखाया है एंड यहाँ पे थोड़ा फ्लोरिकल डिज़ाइन है बिल्डिंग का एंड ये पिलर है। एंड आप थ्रोन देख सकते हो, काफ़ी वेल डेकोरेटेड है। तो ये होगी हमारी कृष्णा ऑन स्विंग। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं, जस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड है एंड पेंटिंग में क्या है वो सबको पता है। कृष्ण जी को हमेशा ब्लू कलर के साथ ही दिखाते हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो कृष्ण जी का सिंबल है। तो ये होगी हमारी पेंटिंग।